विभागों का बंटवारा होते ही एक्शन में मोदी के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री आज संभालेंगे पदभार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज संभालेंगे पदभार। ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत और चिराग पासवान भी आज अपना पदभार संभालेंगे। कार्यभार संभालने के बाद पीएम ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया, किसान सम्मान निधि की राशि जारी की। पीएम ने किसान सम्मान निधि के सत्र में किस्त जारी की, करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे हजारों करोड़ रुपए। पीएम ने देश के किसानों को दिया भरोसा, कहा किसान कल्याण और कृषि की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को किया संबोधित, कहा जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचाना है। अधिकारियों को पीएम ने दिया मंत्र, कहा जिसके अंदर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं वो सफल इंसान होता है। कृषि मंत्रालय मिलने पर बोले शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी का किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पर पहले से प्लान तैयार है, पीएम की प्राथमिकता के मुताबिक उसी रोड मैप पर आगे बढ़ेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर बोले चिराग पासवान, विभाग का दायरा बहुत बड़ा है, किसानों के उत्पाद का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग अच्छी होनी जरूरी। एनडीए सरकार में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा, पीएम मोदी के पास कार्मिक, स्पेस, परमाणु ऊर्जा समेत कई मंत्रालय रहेंगे। राजनाथ सिंह को फिर से मिला रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री बने रहेंगे। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बनी रहेंगी, एस जयशंकर को फिर से मिला विदेश मंत्रालय का जिम्मा। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे, पीयूष गोयल को फिर से मिला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा, पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास रहेगा। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री बने रहेंगे, अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा परिवहन राज्य मंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर को शहरी और ऊर्जा मंत्रालय का मिला जिम्मा, श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री और तोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालयों का जिम्मा, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री बने, शोभा करंदलाजे एमएसएमई राज्य मंत्री बनाई गई। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बने रहेंगे, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए। प्रहलाद जोशी का बदला मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे, किरण रिजिजू बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत का बदला मंत्रालय, कल्चरल और टूरिज्म का मिला जिम्मा, सी आर पाटिल बने जल शक्ति मंत्री। ललन सिंह को 2 मंत्रालयों का मिला जिम्मा, मछली और पशुपालन के साथ पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। एच डी कुमारस्वामी संभालेंगे भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाए गए गिरिराज सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला टेलीकॉम मंत्रालय का जिम्मा, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए। मनसुख मांडविया का बदला मंत्रालय, खेल और श्रम मंत्रालय संभालेंगे। राममोहन नायडू सिविल एविएशन और अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई, रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालेंगे। जयंत चौधरी 2 मंत्रालयों के राज्य मंत्री बनाए गए, शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का संभालेंगे जिम्मा। राव इंद्रजीत सिंह और सुरेश गोपी कल्चर और टूरिज्म राज्य मंत्री बनाए गए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 या 19 जून से हो सकता है शुरू, नव निर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने जताई नाराजगी, कहा 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला। राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी का आज रायबरेली का दौरा, जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। यूपी में कांग्रेस आज से 15 जून तक निकालेगी धन्यवाद यात्रा, सभी 403 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच पहुंचेंगे राहुल और प्रियंका के संदेश। ओडिशा में सीएम के चयन के लिए आज शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कहा ओडिशा गुलामी से मुक्ति की तरफ जा रहा है, 25 साल के काले शासन का अंत हो रहा है। अमरावती में आज टीडीपी विधायक दल की बैठक, सीएम पद के लिए चंद्रबाबू नायडू का नाम का होगा औपचारिक ऐलान। लखनऊ के लोक भवन में आज सुबह 11 बजे योगी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का केंद्र सरकार को बड़ा संदेश, मणिपुर साल भर से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। नागपुर में एक समारोह के दौरान मोहन भागवत ने सरकार को नसीहत दी, कहा जो काम करें लेकिन मैंने किया इसका अहंकार ना पाले वही सही सेवक है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी, याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की गई है। नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करवाकर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, 30 हजारी कोर्ट ने रद्द की थी विभव की जमानत याचिका। बलौदाबाजार हिंसा पर सीएम विष्णुदेव साय ने लगे लिया संज्ञान, मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सतनामी समाज के लोगों ने जमकर हिंसा और आगजनी की, कलेक्टर ऑफिस में आग लगा दी। जम्मू कश्मीर की रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए, घटनास्थल पर एनआईए, एफएसएल और एसआईए की टीम ने जांच की।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में करेंगे यूनिफाइड कमांड की बैठक। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले की चर्चा होगी। टी20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और कनाडा की होगी टक्कर। न्यूयॉर्क में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश पर 4 रनों की रोमांचक जीत हासिल की। अफ्रीकी टीम ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 4th मैच में हराया।